मक्खी मैं कबूतर हमारा चला गया हाँ। और दुनिया को बता रहे हैं जी हमने आयस आई का कबूतर पकड़ लिया कितने वो यानी कि इंडिया वालों को मैं कह सलाम पे उधर के एआई की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कबूतर आ गया आयस का तब ये मक्खी आ गई तो मैं कह सकता ऑन एयर मैं कह रहा हूँ कि मैंने इंडियन रॉ एजेंट मक्खी मार दी चले आगे बढ़े ये लाइव जाना चाहिए ये भी काटना नहीं चलो जी मैं आपसे क्या कह रहा था स्टार्ट दोबारा से नहीं नहीं ये कटे का तो ठीक है तो चलेगा नहीं कैसे चलेगा क्या बात कर रही है क्या यही तो चलने वाली चीज है यार वो कह रहे कबूतर आ गया पाकिस्तान का ऐसा है का। ब्रेकिंग न्यूज चल रही है तो, तो मैं कह रहा हूँ मक्की मेरे इंडियन रॉयल एजेंट मार दी आप उस पर इतराज कर रही है फिर आप कहती है कि मैं ये किस तरह की बात अच्छा मुझे ये बताएं अच्छा नहीं ये चला चलेगा हाँ। अच्छा मुझे ये है? मतलब है आपका कि मौजूदा जो लीडरशिप है आप लोगों के दरमियान ये एक सोच है कि ये चाहते नहीं है तो नहीं कभी लोग जो मर्जी कहते हैं मैं अपना जवाब देने को दूंगा नैरेटिव बनाना ये करना वो करना मैं आपसे ना बहुत सारे बाहर बैठ के और वो पता ही नहीं है, है। लोगों को लोग मैं उनको कहता हूँ भाई पाकिस्तान आ जाओ इधर आ जाओ इधर आके फिर ऐसे करो नाम ले ले ना किसको रहे हैं। जो, जो भी है वो खामोश मुजाहिद है कि पत्नी क्या है अच्छा सुने इतने इल्जाम बकवास सर ना पैर कोई भी अच्छा मैं आपसे कह रहा था पाकिस्तान को ना तीन चार बहुत बड़े इशू नंबर वन जो नंबर वन इशू पाकिस्तान का है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी